एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से कम्युनिटी सेंटर की उपलब्धता की बात ये हमारे रणबीर गंगवा जी ने इस क्षेत्र के अंदर कही है। जो ही जमीन उपलब्ध हो जाएगी रणबीर गंगवा जी, आप ध्यान करिए, इस कम्युनिटी सेंटर को भीमराव अंबेडकर जी के नाम से बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। दूसरा जो आपने कहा है कि गंगवा रोड साकेत कॉलोनी कम्युनिटी सेंटर के पास 1.25 एकड़ जमीन जो अर्बन हेल्थ सेंटर के लिए वहां पर बनाई जाए, इसको भी बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों यहाँ पर भी ये, क्योंकि जो अर्बन हेल्थ सेंटर है इसकी लोगों को आवश्यकता है, इसको भी बनाने का हम काम करेंगे। पीडब्ल्यूडी बीएनआर विभाग द्वारा सप्रा अस्पताल से बाईपास राजगढ़ रोड जो काम होना है वह भी करवाया जाएगा। इस सड़क का भी नवीनीकरण करवाने का काम ये हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। जिला हिसार में गांव तलवंडी रुक्का से गांव चांदना तक हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड की लगभग 6 किलोमीटर की सड़क वो भी बनाई जाएगी, इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। चौधरी वास सब माइनरी बुर्जी संख्या 11300 से 18600 टेल तक रेमोडलिंग का कार्य भी उसका करवाया जाएगा, ताकि वहां पर कोई पानी की या दिक्कत की समस्या ना आए, वो भी कार्य पूर्ण करवाया जाएगा। गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज आईटीआई आर्यनगर के पास पीने के पानी की समस्या के लिए स्पेशल पाइपलाइन बछवाने का काम भी जो आपने अभी कहा है उसका भी स्पेशल ये व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर पाइपलाइन दबवा करके उस पानी की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। मुझे ये खुशी है कि आपने जो एक और मांग रखी है कि कुम्हार धर्मशाला प्रेम नगर हिसार की सबसे प्राचीन धर्मशाला है, इसमें शेड के निर्माण के लिए 21 लाख रुपए दिए जाएं, ये भी मैं देने की घोषणा करता हूँ। 21 लाख रुपए भी उस वहां पर जो शेड बनेगा वो भी आपको आज यहाँ देने की मैं घोषणा करता हूँ। मुझे ये भी बताते हुए कि आपने जो एक और मांग रखी है कि हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 करोड़ रुपए का प्रावधान है, इसके अतिरिक्त अगर और बजट की आवश्यकता होगी तो ये प्रावधान हम इसको आगे बढ़ाने का भी करते हैं। जितनी भी बोर्ड के द्वारा मांग आएगी उस हिसाब से देख करके इस बजट को भी और बढ़ाने का काम ये हम करेंगे। आर्यनगर में ई लाइब्रेरी का निर्माण भी किया जाएगा जो आपने इस क्षेत्र की मांग के लिए रखा है। जिला फतेहाबाद में जो कुमार धर्मशाला बनाने के लिए 2019 की पॉलिसी के तहत 50% कलेक्टर रेट के ऊपर 0.25 एकड़ भूमि भी उपलब्ध कराने के मैं आज यहां से घोषणा करता हूं, वो भी देने का काम हम करेंगे। संस्थाओं में सोलर सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी ग्रांट देने के लिए पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। आपने जो मांग की है कि गुरु दक्ष प्रजापति महाराज जी की आईटीआई आर्यनगर हिसार में उस पॉलिसी के तहत जो सोलर पैनल यहां पर लगेगा उसके अंदर हम बड़ी सब्सिडी दे करके इसमें सोलर पैनल लगवाने का भी काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों आपने दो गांव को आर्यनगर और कैमरी को महाग्राम के अंदर जोड़ने की बात कही है, परंतु ये नॉर्म के अंदर अभी इसमें कुछ कमी है, क्योंकि 10,000 की आबादी के ऊपर हम इसको नॉर्म में जोड़ते हैं, ये जल्दी ही 10,000 की आबादी ये पूर्ण कर लेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आर्यनगर की आबादी 9,455 है और कैमरी की आबादी 9,890 है। जो ही ये संख्या पूरी होती है तो इसको भी हम महाग्राम के अंदर जल्दी शामिल कर लेंगे, और आज मैं कहता भी हूँ क्योंकि जल्दी ही ये अपने नॉर्म पूरे कर लेगा और नॉर्म पूरे करते ही इसको महाग्राम के अंदर शामिल कर लेंगे और यहाँ पर विकास कार्यों को कराने का काम ये हमारी सरकार करेगी। एक आपने जो गांव गंगवा से कैमरी रोड के बीच रेलवे क्रॉसिंग रेलवे अंडर ब्रिज बनाने की बात कही है, इसकी भी फिजिबिलिटी
चेक करा करके यहाँ पर चाहे अंडरपास की बात है या ओवर ब्रिज की बात है उसको भी बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, आज मैं आप सबको भगवान दक्ष प्रजापति जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आईटी को बोल दिया क्या पैसे बोल रहे? रणवीर गंगवा जी कह रहे हैं कि आईटीआई को भी कुछ पैसे दे दें, इसको भी मैं 21 लाख रुपए देता हूं। इक्कीस लाख रुपया इनको भी देता हूं। भाइयों, ये कलम तो आपके हाथ में है, ये कलम आपकी है, जैसे चलानी वैसे चलेगी, आपकी कलम है ये। और आपको मैं फिर कह रहा हूं, अरे आपका बेटा भाइयों कोई चिंता की जरूरत नहीं है, पहले तो शोषण होता रहा है, अब शोषण नहीं होने देंगे, ये मैं आज आप लोगों के बीच में आकर के कह रहा हूं। जो लोग गरीबों का शोषण करते रहे हैं, जो लोग गरीब का वोट लेकर के उनको हाशिए पे खड़ा करने का जिन लोगों ने काम किया है, मैं आज उन लोगों को आज गुरु दक्ष प्रजापत महाराज की जयंती के इस मंच के ऊपर से कहना चाहता हूं कि अब ये हम शोषण नहीं होने देंगे, अपने गरीब भाइयों को भाइयों मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे ये बात खुशी हुई है, मैं कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिला। प्रधानमंत्री जी को जब मैं मिलने के लिए गया 45 मिनट भाइयों मेरे से बात करते रहे प्रधानमंत्री जी, 45 मिनट एक एक बात के बारे में पूछा कि मैं यहां से जो योजनाएं पहुंचा रहा हूं